आपका पैसा कितना खर्च हुआ पूरा प्लानिंग में? पहले मैं 10 लाख रुपया रेडी किया, पेपर वर्क, वीजा, हज एंड फैमिली के लेके आने के लिए पहले भी से। अच्छा, ये सबको कैलकुलेट 10 लाख रुपया का प्लान लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इंडिया में कुछ 1 रुपया का खर्चा नहीं है। लोग इतना दिल से लोग मैंने लेके आया पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट किया, लोग किया, बहुत बहुत सपोर्ट किया। किधर भी अल्लाह का दुनिया में किधर भी जाने का टाइम हमको एक खाने के लिए, सोने के लिए प्रॉब्लम मिलेगा, मदद मिलेगा ज़रूर, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हमारा नीयत नीयत साफ है सब कुछ हो जाएगा। दुनिया में नियत कुछ खराब है, मैं एक बार भी मेरे पैर में एक प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बगदाद में आया 3 दिन में थोड़ा बीमार हूँ, बगदाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट का मसला नहीं है, उधर भी स्टे है ना, हमारा दिल से इबादत में वो थोड़ा काम है वो। दूसरा बार मैं मदीना में पहुंचा वो टाइम भी मैं थोड़ा आपका नियत बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग नियत से आप निकाला घर से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत हेल्प किया। अभी लोगों को भी मैं क्या बोलने के लिए कोशिश करते लेकिन अभी इधर पहुंचा मैं माइंड चेंज है लेकिन अल्लाह के लिए अभी टाइम नहीं है, इतना लंबा सफर करके आया इधर लाजिम इबादत का टाइम ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपको टाइम इबादत के लिए वो भी लोग भी नहीं सम कुछ पीपल नहीं समझता नहीं है नमाज का टाइम भी उसको सेल्फी के लिए आने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये मस्जिद का इस बात का ध्यान रखना चाहिए मत लो नमाज के दौरान या नमाज के मस्जिद का अंदर पुलिस का सामने हम लोगों की सबकी इबादत खराब होती है ना। एक्चुअली तो हरम का अंदर में तो ये फोटोज वोटो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करने वो अच्छा है, हरम का बाद फ्री टाइम है ना, इबादत का अलग टाइम है, कुछ नहीं कर सकते लेकिन लेकिन लोग हमारे मुल्क में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं है उनको पूरा बैकग्राउंड इधर नहीं मालूम है। इधर सऊदी का गवर्नमेंट एंड सऊदी का कानून अलग है, इधर ऐसा हरम का अंदर कुछ लोग मेरा हज को भी प्रॉब्लम आएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही है, सऊदी गवर्नमेंट वो पैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का गिफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन माशाल्लाह अभी हज भी स्पॉन्सर कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने, माशाल्लाह वीआईपी हज क्लास मिलेगा इंशाल्लाह। ये भी अल्लाह का सामने हज के लिए सब आदमी हाजी वीआईपी है, इधर अल्लाह का गेस्ट है वो बहुत बड़ा। अभी जितना भी हाजी है सपोज 3 मिलियन 4 मिलियन उसमें एक हमारा सियाब भाई अकेला ऐसा आदमी है जो पूरा सफर पैदल किया बिना किसी गाड़ी के किया। और एक बात भी लेकिन केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बाद में 4 महीने उधर वो 7 स्टेट में इतना आना सपोर्ट दिल से साथ में पूरा पब्लिक उधर से वॉक कर रहा था वो खाना दिया पुलिस एक है कि सोने के लिए रास्ता दिया उसको भी बहुत दिन से मैं दुआ करते आपका पहली बार देखने का टाइम मेरा काम क्या है मेरे लिए मैं ज्यादा दुआ नहीं करते लेकिन मेरे को इबादत का टाइम वो भी चलेगा लेकिन काबा पहले सामने देखने का टाइम लोगों को बहुत उम्मत के लिए बहुत वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन इतना मोहब्बत इतना खाना दिया रास्ता दिया गवर्नमेंट सपोर्ट पुलिस सपोर्ट एवरीथिंग मिलिट्री लोग किधर भी जाने का टाइम मेरे को बिल्कुल सपोर्ट किया ईरान गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट पुलिस इंडियन पुलिस। शियाब भाई का बोलने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम वो दिल से थैंकफुल है पूरा इंडिया का पब्लिक पाकिस्तान का पब्लिक या ईरान का पब्लिक उनको जो भी सपोर्ट किया उसके लिए दिल से
इवन एम्प्लॉयर दिल से सबको थैंकफुल थैंक्स, और उसके लिए वर्ड्स नहीं आ रहा उनको कि वो कैसा थैंक बोलेगा आप सबको। सो उनका दिल से यही दुआ है कि आप सबके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर आने वाला दिन में भी सब अच्छा ही होएगा इंशाल्लाह। आप सब भी शियाब भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हज में आसानी करे, माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत हिम्मत दिया, बहुत सब्र दिया, इतना क्लाइमेट्स और इतना स्ट्रगल करके माशाल्लाह। तो शियाब भाई आपका भी यहाँ पे आने वाला दिन में भी हज का बाकी, आप कितना इधर स्टे करने के लिए? इंशाल्लाह मैं मदीना में, दिल इधर रख का मैं इधर मदीना में हूँ माशाल्लाह, मदीना में जाने के लिए मैं इंशाल्लाह हज का बाद भी मदीना, मदीना में थोड़ा दिन स्टे करने का प्लान है इंशाल्लाह। वो दिमाग में है बस दिल उधर है पूरा, चार आने का टाइम नहीं है मदीना मदीना आपका नियत अच्छा था माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने हर आप उधर भी आप 4 महीना तक स्टे किया था बॉर्डर में, बॉर्डर में वो भी आपके लिए थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस पीरियड था कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, वो भी वो बस मिस आप खाने का प्रॉब्लम भी था, मैं पहले साउथ इंडियन खाना साउथ इंडियन खाना के लिए नहीं खा सकता, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखने का भी चांस मिला माशाल्लाह। वो मतलब ये अल्लाह की तरफ से आपको एक थोड़ा सा सपोर्टिंग चांस, अल्लाह जानता है हमसे बेहतर हमारे लिए क्या है, हमारा नियत अल्लाह जानता है, लोग समझते एक क्या है पहली बार देखा एक आदमी पैदल चल के भी गए हैं लोगों पहली बार यूज आने का टाइम सबको दिल में क्या ये क्या है, ऐसा होता है क्या, ऐसा कैसा हो सकता है, जनरेशन में ऐसा करते फ्लाइट है 4 घंटे पैसा भी है क्यों श्याम भाई, ऐसा अभी दिमाग में एक ऐसा सवाल क्लिक होता है ना कि जब बिफोर 1400 ईयर्स वो पीरियड कैसा हुआ है, वो टाइम में कोई ट्रैवलिंग सपोर्ट नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो उसी टाइम में भी पब्लिक बाय वॉक आता था, कितना साल का ट्रैवलिंग कर ज्यादा आदमी लोग इंडिया से आया पाकिस्तान से इधर पैदल चल पहले आया उसी टाइम ये जनरेशन में आई थिंक 80 ईयर्स 70 ईयर्स में कोई नहीं है, नहीं है पार्टीशन का इंडियन गवर्नमेंट भी बोला मेरे को हमारा प्रसाद ये पैदल चलने का सेक्शन किधर है, सेक्शन नहीं है वो सेक्शन क्या, कौन सा वीजा दिया, कौन सा पेपर दिएगा, पोर्ट देगा या एयरपोर्ट देगा, सऊदी गवर्नमेंट भी एंटर करने का टाइम वो बोला पैदल चलने का पिक्चर नहीं है मेरे पासपोर्ट में, एक कार का पिक्चर में बाय एयर बाय सी और बाय कार क्या कहते हैं और भी नंबर बोर्ड है ना, किलोमीटर का बोर्ड देखने का टाइम कार 60 स्पीड 120 स्पीड लोरी बड़ा गाड़ी 60-80 स्पीड में पैदल चलने का स्पीड भी नहीं है बिल्कुल, वो पहली है इस तरह में अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह। ओके आप बोलेगा।